मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जो हमें बहुत ज्यादा ना प्रोस्पेक्ट से सुनने को मिलता है। सवाल नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन इसलिए है कि जहाँ से वो के प्रोस्पेक्ट हमारे आ रहे होते हैं उनको काफी ज्यादा मिसगाइडेंस होती है। तो यूजुअली जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग को ये समझा जाता है कि अच्छा ये तो लेफ्ट एंड राइट जो है ना बंदे जोड़ने का काम है, कुछ इस किस्म की चेन सिस्टम का काम है। हालांकि हमारी कंपनी के नाम में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स वर्ड मेंशन है। तो सर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आखिर प्रोडक्ट्स का काम क्या है। अब ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। प्रोस्पेक्ट्स को ये बताया जाता है कि देखिए प्रोडक्ट्स में काम ना करें, आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, प्रोडक्ट पाकिस्तान पहुंचने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 3 से 4 महीने में तो आप मिलियनेयर बन जाओगे, तो प्रोडक्ट पे काम करने की जरूरत ही क्या है। तो यू नो इस तरह की बातें जो है ना, तो लोग ये कहते हैं कि क्या वाकई आप लोग प्रोडक्ट्स पे काम करते भी हो, मार्केटिंग प्लान में प्रोडक्ट्स की क्या जगह है? ये सवाल बेसिकली मुझसे नहीं पूछने वाला, ये सवाल उन लोगों से पूछने वाला है जो इस किस्म की बातें करते हैं, बिकॉज एक इंटरनेशनल ब्रांड है और एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और कंपनी जो है वो अपने नाम से प्रेजेंट होती है, और कंपनी ने अपना नाम रखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम ना करती, सिर्फ सर्विसेज के ऊपर काम करती, तो कंपनी को चाहिए था कि वो अपना नाम जो है वो सिर्फ फॉरएवर लिविंग रख लेती तो भी काम चल जाता। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों से सवाल पूछने वाला है, बल्कि सवाल पूछने वाला नहीं है, उन लोगों को एम्बैरेस करने के लिए ये सवाल उनका जवाब देने वाला है कि भाई आपका जो सवाल है या आपकी जो मिथ है या आपकी जो बेसिकली लॉजिक है उसका कोई सर पैर नहीं है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो एक प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, और फॉरएवर का जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको आप कह सकते हैं ना कि मेन मसाला है, तो वो इस तरीके से मैं कहूंगा कि अगर बिरयानी में से राइस निकाल दिए जाए तो वो बिरयानी नहीं होगी फिर। सो इसी तरह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर से अगर आप प्रोडक्ट्स को निकाल देंगे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं रहेगी, वो फिर कोई स्कैम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी जो कि लोग बनाते हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि जी 3 से 4 महीने बाद प्रोडक्ट्स आएंगी और 3 से 4 महीने बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली उस टाइम तक आपको इन प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहेगी, आप तो मिलियनियर बन जाओगे, तो उनसे ये पूछना है कि क्या चांद से प्रोडक्ट्स आ रही हैं या दुबई से या US से प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सो प्रोडक्ट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 days, 10 days, 30 days मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट लोगों के घर पे पहुंच जाती हैं, और इसीलिए लोग जो है वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाता कि जी आज ये मसला आ गया है, आज ये मसला आ गया है, जिस इंसान ने प्रोडक्ट्स ली थी उसका उसका ट्रक जल गया है, जिस इंसान ने प्रोडक्ट रिसीव की थी उसके घर पे चोरी हो गई है। तो ये वो लेम एक्सक्यूजेज हैं जो कि नहीं सुनने को मिलते पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अंदर। यहाँ पे सीरियस रिस्पॉन्स आता है कि जी आपकी प्रोडक्ट है, आपका घर है, और आपके घर के अंदर ये प्रोडक्ट जो है विद इन 7 days आपको मिल जाएंगे। सो इसलिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में। सर ये तो बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया आपने, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी लोकल रिटेल कंपनी काम करती है, यूजुअली जो डिलीवरी टाइम है वो यही होता है 7 to 8 days। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्दो फॉरएवर का ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में होते हुए हमें ये एहसास नहीं होता कि कंपनी का ऑफिस यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द कंट्री रेडीली स्टॉक अवेलेबल होता है, हर शहर में हम 7 से 8 दिन में प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। अभी तक हमारी ये अंडरस्टैंडिंग तो एस्टैब्लिश हो गई है कि एक तरफ हमने एक टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने हैं, दूसरी तरफ हमने रिटेल कस्टमर्स बिल्ड करने हैं। आपके ओपिनियन में, योर पर्सनल ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक के टीम बिल्डिंग और रिटेल का कितना वेटेज है? अगर हम परसेंटेज में बात करें, एक न्यू फॉरएवर बिजनेस ओनर को कितना टाइम अपना रिटेल में लगाना चाहिए, मतलब कितनी वैल्यू देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और टीम बिल्डिंग को कितनी वैल्यू देनी चाहिए? देखिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग को समझना चाहते हैं और इसको करियर बनाना चाहते हैं तो माई आंसर इज 50-50। ठीक है, अगर यहाँ पर यस, इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप एक सिस्टम क्रिएट कर लोगे तो उसमें हो सकता है आपका टाइम थोड़ा कम लग जाए, लेकिन अगर आप बिगिनर हो और अगर आप रिटेल से डरते रहोगे और सारा फोकस रिक्रूटमेंट पे करते रहोगे, क्योंकि उसके अंदर आपको सिखाया गया है कि आपने खुद कुछ नहीं करना, आपने बस लोगों को जैसे तैसे इन्वाइट करके वेबिनार तक लेकर आना है, यू विल नेवर बी एबल टू टॉक टू पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। तो उसके अंदर आपके बिजनेस का अगर आप इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ही मिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था प्रोडक्ट इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, तो अगर आप वो मिस कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ भले से हो जाए, भले से आप धिक्का लगकर जो है वो मैनेजर बन जाओ, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर सकोगे, आप उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आप फैब्रिकेट करते रहो, फैब्रिकेट करने से मुराद ये झूठ बोलते रहो, तो ऑफकोर्स
झूठ से तो लोग जो है वो डबल शाह भी बन जाते हैं, बट ऑफ कोर्स वो हार्म आपको तब पता लगेगा जब आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहते हो, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेक इट 50-50, 50% रिटेल पे फोकस करें, 50% टीम बिल्डिंग पे फोकस करें। तो यहाँ पर आपने एक तरह से आपने मार्केटिंग प्लान को एस करने का सीक्रेट बता दिया है लोगों को कि आपने जब तक 50% रिटेल पे फोकस नहीं आप करेंगे, आप एक ट्रू सेंस में इस पूरे मार्केटिंग प्लान का फायदा उठा ही नहीं सकते, उसमें एक्सेल आप कर ही नहीं सकते।